subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. NPR जो है, वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, देश में जो भी रहते हैं, उनके नाम रजिस्टर किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग-अलग योजनाओं का आकार बनता है, और NRC है, National Register of Citizens, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो. ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है. एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है. मगर ये प्रक्रिया मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है. 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत ये प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया. अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है, सरकार ने आज निर्णय करा है. तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं, और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं, और कुछ प्रक्रिया जो असम में हुई है अभी. इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा. एनआरसी में प्रूव करना पड़ेगा, और एनपीआर में सिर्फ साइन करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, और ये सब वॉलंटरी है एनपीआर का एक्सरसाइज. वॉलंटरी मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो उसमें कुछ खाने खाली रखे जा सकते हैं जी. तो अगर कौन से ऐसे सवाल हैं एनपीआर में जो इस बार नए हैं, पिछली प्रक्रिया में नहीं थे और इस प्रक्रिया में जोड़े जाए? देखिए, एक दो चीजें नई हैं, जिसमें घर में कितने, घर का एरिया क्या है, घर में पशु कितने हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें नई है, जिसके आधार पर राष्ट्र की सारी योजनाओं का एक खाका बनता है. मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के सर्वे न हुए होते तो हम आज देश में हर गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा सकते. जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं, वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया से जो कटेंगे उनके लिए ये योजनाओं में कैसे जगह बनेगी, इसका अंदाज कैसे लगेगा. मैं आपको बताता हूं कि गुजरात का सूरत शहर है, ढेर सारे वहां ओडिशा से, यूपी से, बिहार से लोग आकर बसे हैं, रोजी रोटी के लिए बसे, परिवार के साथ भी बसे हैं. अब जब एनपीआर के माध्यम से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने ओडिया बच्चे यहां रहते हैं, तो ओडिया भाषा की प्राथमिक शालाएं वहां कितनी खोली जाएगी, आप मुझे बताइए, कैसे सरकार तय करेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे तय करेगा, हिंदी भाषी स्कूल्स कितनी खोली जाएगी वो कैसे तय करेंगे, क्योंकि गुजरात में प्राइमरी एजुकेशन गुजराती में है ऑब्वियसली. इस प्रकार के पर्पस के लिए ये जनगणना मतलब सेंसस और एनपीआर दोनों का उपयोग होता है. मैं उस पर वापस आती हूँ सेंसस पे, पर आपने माइनॉरिटीज का जिक्र किया इसलिए मैं माइनॉरिटी लीडर ओवैसी के बारे में बोलता हूँ. उन्होंने खुद कहा है कि ये एनआरसी का दूसरा नाम है, बस एक दूसरे नाम से एनआरसी लाया जा रहा है. देखिए ओवैसी साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं. फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृहमंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है. पर सर, जब माइनॉरिटीज की जिक्र कर रहे हैं आप, तो माइनॉरिटी हमेशा ये घबराहट होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि ये बार बार जो सवाल पूछते हैं, क्या आप नागरिक हैं, क्या आप यहां पर कब से हैं, कितने साल से हैं, जब बार बार सवाल उठता है तो दस्तावेज तो पेश करना पड़ेगा ना. एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं, उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है, और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था.
मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है। अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता, और अभी भी उनको ये सारी सुविधाएं न मिले, इसीलिए कुछ ओपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। तो आपने सेंसस का जिक्र किया, जब सेंसस हो ही रहा है तो एनपीआर अभी लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि 2015 में अपडेट हो तो क्या था सेंसस? देखिए 2015 में पायलट लेवल पर अपडेट किया था, एक 10 साल में की जाने वाली प्रक्रिया है। 10 साल में देश में जनसंख्या के रहने में बहुत बड़ा उथल पुथल होता है, जनगणना भी 10 साल में होती है, ये भी 2010 में यूपीए ने यही एक्सरसाइज करी है, किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो करते हैं तो सारी निर्दोष चीजें, हम करते हैं तो प्रॉब्लम है। मुझे तो समझ भी नहीं आता किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अभी पूरे देश में हर कोने में प्रोटेस्ट चल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, स्टूडेंट से लेकर विद्यार्थी से लेकर लॉयर तक जो है वो घबराहट में है कि आप ये लॉ ला रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो अब लॉ बन गया है, अब ये आ रहा है, इसके बीच में ये पहले मैं स्पष्टता कर दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी को नागरिक, किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे क्या है ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि समय अनुकूल नहीं है, मैं बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन एनपीआर का भारत सरकार ने 31/7/19 को कर दिया था, जब सीए आया ही नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया वो तो अभी अभी आया, उस वक्त ये आया ही नहीं था, उसकी फाइल भी शुरू नहीं हुई थी नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। उस वक्त 31/7/2009 को इसको नोटिफाइड कर दिया गया था ये एक्सरसाइज को, और बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है नोटिफाइड, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है, इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल और केरला ने तो मना कर दिया कि इसके कोई भी, मैं आज भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दोनों मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, हाँ, कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कदम न उठाएं, वो इस पर पुनः विचार करें। ये बंगाल की और केरला की गरीब जनता के कल्याण के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों का बेस है, आधार है। कृपया आप पॉलिटिक्स के लिए ये गरीब जनता को डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बाहर मत रखिए, इनको जोड़ दीजिए। और मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं सुमिता जी, कि इससे नेशनल एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है, कोई अफवाह फैलाई जा रही है। सर, आप क्या मानते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच अब कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होना चाहिए वो इतना ब्रेकडाउन हो गया है कि स्टेट्स अब जो है, जहां पर आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करना चाहते कि आप क्या कह रहे हैं कि एनआरसी के साथ कोई संबंध नहीं? देखिए, पॉलिटिक्स और कम्युनिकेशन के बीच में अंतर होता है। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, हमने नोटिफिकेशन निकाला 31/7/19 को, आज तक सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। पॉलिटिक्स इसको कहते हैं कि सीएए के कारण बबाल खड़ा हुआ, सीएए का बबाल अब थमता जा रहा है, सब लोग सीएए को समझने लगे हैं, तो अब नई पॉलिटिक्स कर एनपीआर पे विवाद खड़ा करो, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं कि हमने 31/7/2019 को नोटिफिकेशन किया, उसके बाद सारे राज्यों ने नोटिफिकेशन कर दिया है। क्या इसे पॉलिटिक्स कहते हैं या बीइंग सेंसिटिव टू पीपल? मतलब कि अगर लोग समझते हैं कि इससे मुझे घाटा हो रहा है, तो क्या आप सेंसिटिविटी लोग को नहीं समझ रहे? लोगों को समझाया जा रहा है और गलत समझाया जा रहा है, गलत समझाया जा रहा है, इसीलिए स्पष्टता के लिए मैंने आज एएनआई की टीम को रिक्वेस्ट। तो ये आप कह रहे हैं कि गलत समझाया जा रहा है, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि एक हफ्ते तक प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हुए लेकिन कम्युनिकेशन जो है सरकार की तरफ से कमी रही, खामियां रही, क्या आप मानते हैं? देखिए, कुछ तो खामी रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
अब आप सीएए के बारे में मैं सीएए हाँ। के बारे में आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन तो सीएए में मैंने मेरे राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है बिल है नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है मगर लोगों को भड़काया गया जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई एक के बाद एक जगहों पर हुई और मैं मानता हूं कि अच्छा ही है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। सर जो एनपीआर को लेके इसको लेके भी बवाल उठ सकता है इसको लेके भी मिसकम्युनिकेशन अगर आप कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से या फिर पॉलिटिक्स की वजह से लोगों को भड़काया गया और इसकी वजह से वायलेंस हुआ तो क्या एनपीआर को भी लेके ऐसे हो सकता है? नहीं, इसीलिए मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं कि ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस के बनाए कानून के अंतर्गत ही हो रही है। कांग्रेस ये पूरी एक्सरसाइज 2010 के अंदर 11 के अंदर कर चुकी है, कार्ड भी बांटे हैं, हम वही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कृपया मैं लोगों को भी विनंती करता हूं, देश की जनता को भी विनंती करता हूं कि आप ऐसे बहकावे में मत आइए कि एनआरसी और एनपीआर एक एक्सरसाइज है। एनपीआर की एक्सरसाइज का या जनगणना का एनआरसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ना इसके डेटा का एनआरसी के लिए उपयोग होने वाला है। एनपीआर में पिछले एनपीआर में जब हुआ था तो उस वक्त आधार नहीं था, आधार कार्ड, तो इस बार जो है क्या आधार की इंफॉर्मेशन सिटीजन को देना पड़ेगा? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब सवाल पूछा जाएगा तो क्या बायोमेट्रिक्स होगा और क्या देना पड़ेगा? देखिए स्मिता जी, हमने एक ऐप भी बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर नागरिक डाउनलोड कर पाएगा अपने मोबाइल पे और भरकर भेज सकता है। तो जब जनगणना अधिकारी आएंगे, एनपीआर के बनाने वाले लोग आएंगे, तब सिर्फ टिक करके 10 मिनट के अंदर काम समाप्त हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसका सरकार रजिस्टर बनाएगी और ये इन्फॉर्मेशन के आधार पर आने वाले 10 दिनों तक भारत की विकास की योजनाओं का प्लानिंग होगा, भारत के विकास का खाका तैयार करेगा। तो जो आधार का नंबर होता है क्या उसमें नंबर वगैरह देना पड़ेगा? नंबर देंगे तो प्रोविजन तो है, मतदाता नंबर भी मांगा गया है, लास्ट टाइम भी मांगा गया था, और देने में कोई हर्ज नहीं। आपने आधार निकलवाया, आपका नंबर है तो देने में क्या? पर सरकार के पास जब इतना सारा इंफॉर्मेशन सिटीजन को लेकर ऑलरेडी है, कितने सारे डेटाबेस हैं, पासपोर्ट डिटेल्स है, राशन कार्ड डिटेल्स है, आधार डिटेल्स, उसको सर मैं आपको बताता हूं, हर 10 साल में अंतरराज्यीय उथल पुथल जनता की बहुत बड़ी होती है हर 10 साल के अंदर, और वो अंतरराज्य उथल पुथल को मैप पर रखे बगैर राज्यों के विकास के और केंद्र के विकास के नक्शे नहीं बन सकते। मैं राज्य सरकार में भी रहा हूं, जनगणना का आधार राज्य सरकारें भी लेती हैं, एनपीआर का आधार राज्य सरकारें भी लेती हैं अपने प्लानिंग के लिए, ये नहीं बन सकता। और एक संवैधानिक प्रोविजन है हर 10 साल में जनगणना करना, ये संवैधानिक प्रोविजन है। तो ये डुप्लीकेशन एफर्ट नहीं है सेंसस 2021? जरा भी नहीं, दोनों एक साथ करने वाले हैं, कहां डुप्लीकेशन होगा? एक ही व्यक्ति, मतलब वही सवाल अगर दोनों में पूछना है तो फिर देखिए, मैंने आपको कहा दो अलग एक्ट है, दो अलग पर्पज है, मगर मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि कहीं पर भी देश के किसी भी नागरिक ने मन में ये शंका लाने का कोई कारण नहीं है, और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को, मुस्लिम भाइयों बहनों को, कि इसका उपयोग एनआरसी बनाने के लिए होगा, इसका कोई लेन देन नहीं है, एक कोरी अफवाह फैलाई जा रही है और मैं मानता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। एनआरसी और एनपीआर में फर्क आपने समझाया, लेकिन जनगणना एक्सरसाइज जो सेंसस का एक्सरसाइज है और एनपीआर का जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या फर्क? अगर दोनों एक ही वक्त हो रहा है तो इसमें अलग क्या चीज है, जरूरत क्या है? ढेर सारा अलग है, आप एक बार साइट पर चली जाइए, ढेर सारा अलग है, इसीलिए दो कानून बनाए गए। और मैं अभी भी, आप देखिए, सवाल एनपीआर से कोई तकलीफ नहीं है, एनपीआर से तकलीफ होती तो इतने नोटिफिकेशन क्यों निकलते 2010 में, क्या हुआ, क्यों नहीं, क्यों हुआ विवाद नहीं हुआ 2015 में, हुआ क्यों विवाद नहीं हुआ? सवाल सीएए से खड़ा हुआ जो अफवाहें फैलाई गई। सीएए में भी अब लोग समझने लगे हैं कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, माइनॉरिटी की भी नहीं जाने वाली, ये नागरिकता देने का कानून है।
अब जब सीए की विवाद समाप्त हो रहा है तो एक नया विवाद खड़ा करने का एक राजनीतिक प्रयास हो रहा है। मैं अभी भी सभी राजनीतिक दल को भी कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में स्पष्ट रूप से कोई शंका है तो मैं सार्वजनिक रूप से एएनआई को कह रहा हूं, पूरा देश सुनेगा इसको, कि आप शंका निकाल दीजिए कि ये डेटा का उपयोग एनआरसी बनाने में होगा या यही एनआरसी है, दो में से एक भी सच्चाई नहीं। और अगर ये पॉलिटिकल विवाद है तो कृपया ऐसा मत करिए। इसका क्या, इस डेटा का इस्तेमाल क्या पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जाता है ना। जैसे आधार का जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो अलाउड नहीं है किसी को आउट करने के लिए, लेकिन एनपीआर का जो डेटा है, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि विश्वास नहीं हो रहा है सरकार। स्मिता जी मुझे ये बताइए कि मैं जब कह रहा हूं दो कानून अलग है, इसका कोई सर्वे एनआरसी के काम में आ ही नहीं सकता। वो उसके पास से प्रूफ मांगने पड़ेंगे, प्रूफ मांगे मगर किसी की नागरिकता को टच नहीं कर सकते हो आप, उसको सुनना पड़ेगा, उसके बाद में भी एक लीगल प्रोसेस है, ये कुछ नहीं हो सकता इसमें से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका उपयोग एनआरसी में नहीं हो सकता है। जो एनआरसी है, बहुत से चैनल्स ने आपके पूर्व भाषण एयर किए हैं जिसमें आपने कहा कि एनआरसी लागू होगा पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसे लगा कि देर इज अ रीथिंक आपकी पार्टी में, और ये आपके मैनिफेस्टो में है लेकिन आप शायद लागू नहीं करेंगे। देखिए, इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये सीए एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप छिप कर होगा, ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना कि संडे को प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा और ट्यूसडे को आप एनपीआर ले आते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्या इसमें ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला, इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो छठे महीने में हो चुके थे। केरला और वेस्ट बंगाल ने तो मना कर दिया, अब क्या अगर और राज्यों में होगा तो? नहीं, हम संवाद करेंगे, समझाएंगे सबको। तो आप सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे इसको एक, मैंने ऐसा नहीं किया, कंसेंसस के तौर पर संवाद करूंगा, ऑब्जर्व भी करेंगे, मैं भी बात करूंगा और मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बंगाल के गरीबों को इससे होने वाले फायदे से बंगाल के गरीब और केरल के गरीब वंचित रह जाए, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी राज्य एनपीआर से जुड़ जाए। तो इसकी ये आप नहीं कह, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि इसके लिए अर्जेंसी की जरूरत नहीं थी, एक दो महीने रुक जाते या एक दो हफ्ते की ये जो वायलेंस चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि जनगणना ये अभी नहीं होने वाला है, होगा तो 2020 के अप्रैल में तो सिर्फ मकानों की मैपिंग चालू होगी और 2021 में होने वाला है ये भी, परंतु जनगणना में संवैधानिक प्रोविजन 10 साल में करने का है, तो 11 में हुई थी, 2021 में होना जरूरी है, और जनगणना और दोनों की एक्सरसाइज एक ही है इसलिए दोनों एक साथ किया, इसका भी कानूनन प्रोविजन है कि ये करना है, तो ये एक्सरसाइज एक समान है इसलिए एक साथ कर रहे हैं, और अभी नहीं होने वाला है, अप्रैल के अंदर तो मैपिंग होगी मकानों की और 21 के फरवरी के अंदर एक्चुअल जनगणना और एनपीआर बनना शुरू होगा। सर, मैं मानती हूं कि आप जो कह रहे हैं 2020 और 2021 में, उसकी अर्जेंसी के लिए नहीं कह रही, मैं अर्जेंसी कह रही हूं ये अनाउंसमेंट, ये कैबिनेट डिसीजन की, मतलब ऐसे इंप्रेशन ऐसा है सर इंप्रेशन ऐसे आ रहा है कि बीजेपी सरकार सोच रही है कि ये जो जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इससे हम क्लाइम डाउन नहीं होंगे, मतलब जो बीजेपी का रूल एजेंडा है वो जरूर होगा चाहे प्रोटेस्ट। पहले मैं बता दूं, एनपीआर ना हमारे घोषणा पत्र का एजेंडा है ना हमारा एजेंडा है, ये यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ कानून है, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अच्छी एक्सरसाइज है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे कोई अहंकार का विषय नहीं है स्मिता जी कि हम नीचे नहीं गए, नीचे नहीं दिखना चाहिए या हम ऐसा नहीं दिखना चाहिए इसलिए हम ये कर रहे, ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी लेट है। अप्रैल 2020 में अगर मकानों का मैपिंग करना है तो इस देश में
लगभग लाखों कर्मचारियों की ट्रेनिंग करनी है, उनको ऐप देना है, ऐप का एडवर्टाइज बनाना पड़ेगा, हर राज्य में इसके दफ्तर खुलेंगे, हर राज्य में इसके अधिकारी तय होंगे, नीचे बहुत सारे टीचर तक का ट्रेनिंग करना है। ये अगर हम आज नहीं करते दिसंबर में, तो अप्रैल में मकानों का मतलब घरों का मैपिंग नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम 15-20 दिन लेट चल रहे हैं। और दूसरी बात कि ये एक्सरसाइज हर बार हुई, इसका टाइम टेबल इसी प्रकार का है, 1.5 साल की एक्सरसाइज है ये, टाइम टेबल में भी हमने कोई बदल नहीं किया है। आप 2011 की जनगणना को उठाकर देख लो तो यही टाइम टेबल से हुई है। तो इस प्रकार का कोई अहंकार या अहम नहीं है कि वे जनता करती रहे हम हमारा करेंगे, मगर ये हमारा एजेंडा ही नहीं है, ना हमारे घोषणा पत्र में है ना हमारी घोषणा है। आपकी आप जो कह रहे हैं मैपिंग ट्रेनिंग टीचर्स के सबकी जो ट्रेनिंग है, तो लोग तो यही कहेंगे ना ये जो मैपिंग और ट्रेनिंग आप एनपीआर पे कर रहे हैं वही ट्रेनिंग आप एनआरसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्मिता जी आप पूरी रचना नहीं जानती है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर राज्य अपना इसके लिए एक अधिकारी तय करेगा जो जनगणना अधिकारी होगा, और राज्य सरकार के कर्मचारी ही ये करेंगे। तो वही भारत सरकार तो सब जगह करने नहीं जाने वाली, और कोई इसके सवाल उठाकर देख ले, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग हो सके। सर एनआरसी जो असम में हुआ था उसको लेके 40 लाख लोग बाहर, 40 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे, तो एनपीआर में कोई ऐसा कोई लूपहोल है जिसकी वजह से लोग सडनली देखेंगे कि उनका नाम ही नहीं है एनपीआर में? देखिए एनपीआर में हो सकता है किसी का नाम रह जाए तो भी वो नागरिकता उसकी नहीं जाने वाली, क्योंकि एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है। पहले मेरी बात समझ लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है वो एक अलग कानून के तहत अलग प्रावधान, एनपीआर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, ये बात पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पर क्या नर्वसनेस नहीं होगा कि जैसे इलेक्टोरल लिस्ट में सब देखते हैं नाम है कि नहीं हमारा, तो अगर एनपीआर में जब पॉपुलेशन सब 2011 में हो चुका है ये एडिशनल होगा? नहीं नहीं वो ही तो जनगणना भी हो चुकी है, हर बार होता है, जो नहीं रहे जिनका देहांत हो गया इनके नाम निकाल दिए जाएंगे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए उसको वो राज्य में मैप किया जाएगा, नए बच्चे जो पैदा हुए इनके रजिस्टर्ड किए जाएंगे, ये हर 10 साल में होता है एक्सरसाइज। जो प्री सेंसस 2021 का एक टेस्ट हुआ था तमिलनाडु में अगस्त में, और उसमें एक सवाल था कि आप कितने साल से एक जगह में रह रहे हैं, ये सवाल लास्ट सेंसस में भी है। हाँ, इसकी क्या जरूरत इसलिए, है इसलिए जरूरत है कि वो जगह में एजुकेशन से लेकर ढेर सारी चीजों को, ये अस्थाई किराए पर रह रहे अपने मकान पर रह रहे इसके आधार पर इसकी वहां की योजनाओं का प्लानिंग होता है, और ये सवाल लास्ट सेंसस में भी था, ऐसा नहीं है कि ये सवाल नया जोड़ा गया है, लास्ट सेंसस में भी था। पर असम को लेकर ये सवाल उठेगा तो एनपीआर जो एक्सरसाइज होगा तो उसमें अगर ये सवाल पूछा जाता है तो क्या इट इज ओनली टू गेट टू नो? एनआरसी बन चुका है वहां पर, वो लिस्ट तो अलग से बन ही चुका है, अब असम में कोई एक्सरसाइज कहां बाकी रही? सर मैं सीए प्रोटेस्ट के बारे में पूछना चाहती हूं कि एक हफ्ते तक इतना वायलेंस हुआ, लोगों की जाने गई, आपकी तरफ से संवेदना एक्सप्रेस करना या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये ऐसा नहीं है? मैंने 2 बार फेस नोट देकर सबको शांति रखने की अपील भी करी, सबसे बात भी करी, ढेर सारे लोगों से बात करी, ऐसा नहीं है। और शांति बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रयास करने हैं वो सार्वजनिक नहीं हो सकते, वो राज्यों के साथ संवाद कर राज्यों के साथ बात कर हो सकते, वो सभी किए गए हैं और अब शांति है। मेरा इतना ही कहना है कि जैसे सीए के लिए एक भ्रांति फैलाई गई, इस प्रकार की भ्रांति एनपीआर के लिए नहीं फैलानी चाहिए। क्या एक किस्म से इंटेलिजेंस फेलियर था कि आप आपकी सरकार को ये नहीं पता था कि सारे मुल्क में इस तरह से प्रोटेस्ट वायलेंट होंगे? देखिए सीए का सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कहीं से आना था तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से आना था, क्योंकि ढेर सारे शरणार्थी वहां है, वहां उनको नागरिकता मिलेगी तो लोकल लोगों के अंदर अनरेस्ट आ सकता था, वहां कंपेरेटिवली कुछ नहीं हुआ।
कंपेरेटिवली, और बाकी सारे राज्य जहां सीए का कोई लेन देन ही नहीं है वहां पॉलिटिकल आंदोलन चलाया गया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों को पॉलिटिकली तराजू में रखकर नहीं देख। तो हर राज्य में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप मानते हैं कि ये आप समझते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के? मेरी इन्फॉर्मेशन छोड़े ना, आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे बताया, कॉल किसने दी है? सर मैं आपके पास आता ही है, कॉल देती है तो प्रेस नोट आती है कि आज हम बंद बुला रहे हैं, आज हम समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, ये सारे तो सिटीजन्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह। नहीं नहीं, मतलब स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, कॉल सिविल सोसाइटी बाहर निकल, कॉल तो वही लोग पॉलिटिकल पार्टियों ने ही दिया है, सिविल सोसाइटी भी है इसमें, ऐसा नहीं है, मगर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां ही कॉल दे रही हैं। क्या आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक रीच आउट प्रोग्राम हो सकता है सिविल सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, समझाने के लिए कि ये सीए जो है ये नेगेटिव नहीं है, ये मैं अभी से रीच आउट प्रोग्राम चालू करता हूं। मैं बता देता हूं सीए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है और जो अपना धर्म बचाने के लिए अपनी प्रताड़ना से भागकर यहां आए हैं उनको नागरिकता देने का कार्यक्रम है। भारत में रहते हुए एक भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कार्यक्रम नहीं है। जो भ्रांति फैलाई गई है कि सीएए से विशेषकर माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी, जिनके पास कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो भी गलत बात है, मगर सीएए में तो नागरिकता जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो अब धीरे धीरे जनता तक चीजें पहुंची है और जनता समझने भी लगी है कि भाई किसी की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है, इसलिए धीरे 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 अब यू टर्न हो रहा है। सर जो वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ है, उसमें पुलिस की तरफ से और पुलिस पर बहुत हिंसात्मक कार्य हुए हैं, तो इसको आप जरा बताएंगे कि ये ना हो, और इसके लिए आपने कंडेम किया है वायलेंस को, पुलिस को सेंसिटिव होने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए पुलिस, जहां तक पुलिस का सवाल है, वो ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस से दी ही जाती है, मगर आप मुझे बताइए जब कोई बस जला देता है, बस के अंदर पैसेंजर बैठे हैं, वो जल जाएंगे तो क्या होगा? पर पुलिस आईसीयू के अंदर घुस गई, एक सेकंड, एक दुकान जला देते हैं उसके अंदर कोई लोग बैठे हैं, उनका क्या होगा? पुलिस को फायरिंग करने का तो स्टेज तब आता है जब किसी की जान खतरे में आती है, और वो नहीं करता है तो वो उसकी ड्यूटी नहीं निभाता है। और आईसीयू के अंदर घुसे भी ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं हुई होगी जहां दंगाई वहां भागकर घुसे होंगे, उनके पकड़ने के लिए गए होंगे, परंतु तो ऐसी घटनाएं टालनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर एक सेफ जगह पर इंटरव्यू करते करते इसकी चर्चा करना और हजारों पत्थर सामने से आ रहे हो, उस वक्त धैर्य रखना, उसको अपनी भी जान बचानी है, जनता की भी जान बचानी, हमने इसकी भी पोजीशन समझनी चाहिए। सर प्रधानमंत्री ने कहा था डिटेंशन सेंटर्स को लेकर, और आज के अखबार में डिटेंशन सेंटर के फोटो तक आ गए हैं, तो क्या ये डिटेंशन सेंटर हैं, बन रहे हैं, क्या लोगों को इसमें डाला जाएगा जो अपना सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सकता, इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए डिटेंशन सेंटर जो बने हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक, दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है, इस देश का एक कानून है, अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, बाद में इसको वापिस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है, ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है। डिटेंशन सेंटर में रेफ्यूजीज को नहीं रखा जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाएगा, क्या ये कहने की? ये जो अभी डिटेंशन सेंटर चर्चा में आया है वो वही है। क्या है? इलीगल माइग्रेंट जो कहीं पर भी पकड़े, उसको रखे कहां? जेल में नहीं रख सकते आप, उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखते हैं और बाद में वो देश के साथ बात करके उनको वापिस भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो अगर वो माइग्रेंट जो बाहर से आया है, उसके पास, उसने अगर अप्लाई नहीं किया रेफ्यूजी स्टेटस के लिए, तो वो इलीगल हो गया, लेकिन अगर रेफ्यूजी स्टेटस के लिए, अभी ऐसा है कि मानो असम के एनआरसी में कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए, तो वो सारे लोगों को अभी सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर अपना पक्ष रखें,
हमने ये भी कहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसे, वकील के पैसे का खर्चा भारत सरकार या तो आसाम सरकार उठाएगी। हमने ढेर सारी ट्रिब्यूनल्स भी बनाई है, किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा। ये अफवाह फैलाई जा रही है स्मिता जी। आज आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए थे उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा है, अपने घर में ही रह रहे हैं। तो बना क्यों ऐसे डिटेंशन? नहीं, ये उनको मौका दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर तो देश में कोई भी नागरिक किसी भी देश से चला आएगा। देखिए, कोई अमेरिका में कोई नागरिक पकड़ा जाएगा उसको कहां रखेंगे बताइए आप मुझे? वहां पर भी डिटेंशन सेंटर या जो व्यवस्था होगी वो सरकार की रखना पड़ेगा। बाद में हमारी एम्बेसी से बात करेंगे, हमारे देश का है तो, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान की एम्बेसी, और बाद में डिपोर्ट करेंगे। तो इसको कहीं पर होल्ड तो करना पड़ेगा। तो मानो हिमालयन एरिया है, इसमें किसी विदेशी को जाने की अनुमति नहीं है। कोई क्यूरियोसिटी से भी वहां चला गया परमिशन के बगैर, तो उसको पकड़कर पुलिस ने कहीं रखना पड़ेगा। तो ये डिटेंशन सेंटर्स कहां कहां बनेंगे? कहीं नहीं बने, एक बना हुआ है आसाम के अंदर और सालों से है, कर्नाटका में भी है, कर्नाटका के काफी सारे इलाकों में है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। नहीं नहीं, कोई डिटेंशन, एक ही है मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म नहीं हूं, मगर एक ही है, पर कोई डिटेंशन सेंटर फंक्शनल नहीं है और ना मोदी सरकार आने के बाद बनाए गए। तो ये सिर्फ आसाम के लिए, मतलब जो आसाम के लिए नहीं है स्मिता जी, कोई भी हाँ। कोई आज दिल्ली में भी कोई नागरिक वीजा के बगैर घूम रहा है, क्या करना आप बताइए? आप हैं उसको एक बार तो कानून ने अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बाद में उसको वापस भेजने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? आप नहीं, शुरू नहीं हुए, ये तो हर रोज डे टू डे चलने वाली प्रक्रिया है। एक गाड़ी टकरा गई और अंदर से कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास वीजा नहीं है, क्या कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं कि इससे एक पूरी एक पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाता है जब डिटेंशन सेंटर की फोटोग्राफ निकल आते हैं कि एक ओपन जेल किस्म का बन रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका एनआरसी एक्सरसाइज से कोई लेन देन नहीं है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ भी कोई लेना नहीं। ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें किसी की नागरिकता लेनी ही नहीं है। नहीं, पर डिटेंशन सेंटर तो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए होगा, तो वो सीए से क्या लेन देन है? सीए में तो नागरिकता रेफ्यूजी को देने का प्रोविजन है। हाँ। तो सीए से किसी को इलीगल तो ये माइग्रेंट घोषित नहीं कर रहे हैं। ये डिटेंशन सेल है, एक किस्म का सॉफ्ट जेल है, आप कह रहे हैं? सॉफ्ट जेल भी नहीं कर सकते, उसको रखने की व्यवस्था है। तो फैमिलीज को रखा जाएगा वहां पर, जो पकड़े जाएंगे उसको रखता जाए, और ये आज से नहीं चल रही है व्यवस्था, ढेर सारे सालों से व्यवस्था चल रही है। ढेर सारे सालों से डिटेंशन सेंटर्स हैं हमारे मुल्क में, ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई एनआरसी के लिए नहीं बनाया गया। जी, धन्यवाद।